सो वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि कल के दिन में जो नेटफ्लिक्स को बुखार चढ़ा था, एक साथ कई सारे अनाउंसमेंट एंड टीजर लेकर के आया है, और जिसको देखने के बाद मुझे किसका टीजर सबसे ज्यादा अमेजिंग लगा और कौन से कंटेंट के लिए मैं पर्सनली बहुत ज्यादा वेट कर रहा हूँ, उस बारे में भी बात करूंगा। सो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल का बटन दबा लो और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले जो टीजर ड्रॉप हुआ था वो है राणा नायडू, जिसके लीड रोल में आपको देखने को मिलेंगे राणा दगुपति और उनके साथ वेंकटेश दिखने वाले हैं। वेंकटेश सर को देखना मतलब काफी समय हो चुका है उनको ऑन स्क्रीन देखे हुए, भले से वो बड़े स्क्रीन पे हो या फिर कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, मुझे याद नहीं कि रिसेंटली कोई कंटेंट में वो दिखे हैं। तो यहाँ पे कहानी दिखाई जा रही है बाप और बेटे की। तो यहाँ कहानी में दिखाया जा रहा है कि राणा दगुपति जो है वो बेटा है और उनकी सनक गई है और वो जो है किसी एक्शन के लिए उतारू हो चुके हैं, जिनको रोकने की हिम्मत सिर्फ और सिर्फ वेंकटेश में है। और वो कहते भी है कि आखिर मैं तेरा बाप हूँ, जिसके रिप्लाई में वो कहते हैं कि बाप जैसा कुछ किया भी तो होता। इसके बाद से बात करता हूँ खुफिया की, जो कि लास्ट ईयर ही इसकी अनाउंसमेंट हो चुकी थी। वो दीवार वाला जो सीन रहता है उस सीन के अंदर में खुफिया लिखा हुआ आता है, एंड आई थिंक उस टाइम पे कुछ नाम और ही रखा गया था या शायद खुफिया ही रखा गया था। नेक्स्ट कंटेंट है क्लास, जिसका टीजर का स्टार्टिंग देखने के बाद ऐसा लगा कि जैसे मैं करण जौहर का स्टूडेंट ऑफ द ईयर देखने वाला हूँ, लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसे सीन्स आते हैं जिसको देखने के बाद होश उड़ जाते हैं। यहाँ पे कहानी दिखाया जा रहा है कि दिल्ली का सबसे महंगा स्कूल जो है, वहां के बच्चे कैसे होते हैं, वहां के स्टूडेंट की सोच क्या होती है, और उसके अंदर में एंट्री ले चुका है एक मिडिल क्लास बंदा। अब वो इन सारी सिचुएशन में खुद को कैसे ढालता है, और साथ ही साथ उसी स्कूल के अंदर में बहुत सारे क्रिमिनल एक्टिविटी होते हुए दिखाते हैं। तो ये स्टोरी भी थोड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है और हाँ देख सकते हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशन थोड़ा कम रख रहा हूं। इसके बाद वाला जो कंटेंट है स्कूप हाई, ये एकदम सा जबरदस्त है। इसके पीछे का रीजन ये है कि इसके अंदर में जो स्टार कास्ट दिखाया गया ना, वो स्टार कास्ट एकदम सा आउटस्टैंडिंग है और कुछ अलग ही लेवल पे है। इसमें आपको बंगाली सुपरस्टार प्रोसेनजीत देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो सबसे बड़ा अट्रैक्शन है वो है हंसल मेहता, और हंसल मेहता की क्रिएशन के ऊपर में समझ लो आपको कितना ज्यादा ट्रस्ट होना चाहिए। और तो और जो स्कूप है, जो पूरी की पूरी कहानी है, उसमें छोटा शकील का कुछ एंगल है। और तो और ये कहानी एक बुक पे बेस्ड है, इसका नाम है बिहाइंड बार्स इन बाइकल्ला माय डेज इन प्रिजन। इसी के ऊपर में बेस करके पूरी कहानी बनाई गई है, और उसको देखना काफी ज्यादा आउटस्टैंडिंग होगा, क्योंकि हंसल मेहता किसी रियल लाइफ इंसिडेंट के ऊपर में कोई कंटेंट क्रिएट करे और वो मैजिक लोगों पे ना छाए ऐसा तो नहीं लगता आफ्टर वॉचिंग स्कैम 1992। स्कूप अगर देखा जाए तो बहुत ही प्रॉमिसिंग है और बहुत ही ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन है मेरी इससे, बिकॉज ऑफ हंसल मेहता एंड बिकॉज ऑफ कास्टिंग ऑफ दिस कॉन्टेंट। तो आप इस कंटेंट के बारे में क्या कहना चाहते हो, स्पेशली इसके लिए कमेंट करके जरूर बताना। कंटेंट है कटहल, और इसका टीजर देखने के बाद मेरी हंसी का कोई ठिकाना नहीं था। हाँ, मुझे आप सिद्धू पार्ट टू बोल सकते हो, क्योंकि मैं छोटी छोटी चीज पे बहुत बेतहाशा हंस देता हूँ। तो इस टीजर को देखने के बाद भी मेरी हालत जो है सिद्धू पाजी जैसी थी। मतलब मुझे एक चीज समझ में नहीं आया, कटहल के ऊपर में कंप्लेन कौन करता है कि कटहल चोरी हो गई। और आपको सुन के ये झटका लग सकता है कि ये एक रियल लाइफ इंसिडेंट है, जो सच में ये घटना घटी थी और उसी के ऊपर में जो है ये पूरा कंटेंट बेस है, जिसमें दिखाया जाता है कि एक सरपंच या एक मिनिस्टर है जिसका रोल जो है विजय राज प्ले कर रहे हैं, और उनके मुंह से जो वो शब्द निकलते हैं कि दो चमचमाते कटहल यहीं लटक रहे थे कल तक और आज चोरी हो गई। और इसकी कंप्लेंट जो है पुलिस स्टेशन पे जाती भी है, पुलिस में सबसे सीनियर ऑफिसर जो है इसकी इन्वेस्टिगेशन भी कर रही होती है। कॉमेडी तो और भी हाई हो जाता है जब उसका पोस्टर लगाया जाता है हर जगह पे और कहा जाता है कि ये कटहल जो ढूंढ करके देगा उसे 5,000 से 10,000 रुपए का इनाम मिलेगा। वैसे कॉन्टेंट के एक्साइटमेंट में मैं बताना भूल गया कि इसकी कास्टिंग भी जबरदस्त है। यहाँ पे आपको सानिया मल्होत्रा जो है वो पुलिस रोल में देखने को मिलेगी, विजय राज जो है एज अ मिनिस्टर देखने को मिलने वाले हैं, और वहीं आपको राजपाल यादव एकदम डिफरेंट लुक में दिखने वाले हैं, और उनका जो कॉमेडी टाइमिंग है एक बार फिर से आपको एंजॉय करने का मौका मिलेगा। उनका जो एक शॉट दिखाया जाता है और वो मोबाइल पे रख करके दिखाया जाता है, कॉमेडी और सटायर के लिए इस कंटेंट को देखना तो बनता है। आप इस कंटेंट के बारे में क्या कहना चाहते हो, कटहल के लिए आप वेट कर रहे हो या नहीं, कमेंट सेक्शन पे जाकर के जरूर बताना। और कटहल खाने की बात नहीं कर रहा हूँ, कटहल देखने की बात कर रहा हूँ। बढ़ते हैं नेक्स्ट कंटेंट की तरफ, और ये कंटेंट का नाम है सूप। सूप देखने का मजा आपको आने वाला है कोंकणा सेन के वजह से और वहीं मनोज वाजपेयी, इन दोनों का कॉम्बो आप समझ रहे हो, दोनों ही बहुत हाई लेवल के एक्टर है बॉस। इनके हाथ में अगर कोई कैरेक्टर पकड़ा दो ना, वो मामूली से कैरेक्टर को भी बहुत बड़ा बना देते हैं। सूप की जो कहानी है ये नॉर्मल कहानी नहीं है। यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि मनोज वाजपेयी और कोंकणा सेन के बीच में अफेयर है, और इन दोनों का फ्यूचर इस बात पे टिका हुआ है कि कोंकणा सेन अपने हस्बैंड का मर्डर करेगी और उसके बाद से सारी चीज को लेकर भाग जाएगी और दोनों जाके सेटल डाउन हो जाएंगे। अब ये मर्डर करने के बाद वो बॉडी को जो है डिस्पोज सही तरह से कर पाती है या नहीं, इसी चीज के ऊपर में कहानी है। और कुछ शॉट्स ऐसे दिखाए गए हैं, और कहानी का जैसा नाम रखा गया है सूप, उसके हिसाब से तो यही लगता है कि उन्होंने हस्बैंड को मारने के बाद उनके पीसेस किए हैं, और बार बार शॉट्स में जो ये हिंट दिया जा रहा है कि वो पीसेस करने के बाद में उसका सूप बना करके
आगे समझ रहे हो ना, तो ये देखा जाए बहुत ही भयानक लगने वाला है। अब बिकॉज ऑफ कास्टिंग स्टोरी को और भी हाई लेवल पे टच कर सकती है, तो मैं इसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आप कास्टिंग के बारे में क्या कहना चाहते हो, और खास करके कोंकणा सेन काफी टाइम के बाद आई है आफ्टर लिपस्टिक अंडर द बुरखा, उसके बाद से मैं अभी देखने वाला हूँ। आप बताओ आपकी एक्साइटमेंट किस लेवल पे है। नेक्स्ट कॉन्टेंट है कैट, जिसके अंदर मैं आपको रणबीर हुड्डा दिखेंगे लीड रोल में, और सच बताऊं तो मुझे इसकी कहानी जरा भी नहीं समझ में आई। बस इतना तो समझ में आया है कि रणबीर हुड्डा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने वाले हैं, और शायद इसमें फील जो है सरबजीत जैसे आए, तो भाई आपको उम्मीद बनाए रखनी चाहिए। मैं तो बना करके रखा हूं, मैं तो जरूर देखूंगा। नेक्स्ट टीजर आया था काला, और जो काला कहानी है इस कहानी से ज्यादा एक्साइटेड एक बार फिर से मैं कास्टिंग के वजह से हूं। और यहां पे हर कोई बात करने वाला होगा स्वास्तिका मुखर्जी के बारे में, लेकिन मुझे इनसे भी ज्यादा एक्साइटमेंट अगर कुछ दे रहा है तो वो है इरफान सर के बेटे के बारे में। बाबिल खान डेब्यू करने जा रहे हैं इस कॉन्टेंट से, और मुझे नहीं पता वो एक्टिंग में कितने अच्छे होंगे। क्या वो इरफान खान सर जैसे होने वाले हैं, क्या उनकी भी एक्टिंग वैसे ही होने वाली है, एक अलग पहचान छोड़ जाए, एक अलग छाप छोड़ जाए। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन बना रही है मेरे अंदर में वो है तृप्ति डिमरी, क्योंकि इससे पहले उनको बाबुल में देखा था, और ट्रस्ट मी बाबुल वॉज ऑसम, मुझे तो काफी अमेजिंग लगा था उनका परफॉर्मेंस, वो स्टोरी, उसका डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले, एवरीथिंग वॉज टॉप नॉट। उसके बाद से मैंने नोटिस किया कि इनके कॉन्टेंट का चॉइस, इनकी स्क्रिप्ट सिलेक्शन जो है ना बहुत हटके होती है, और ये सबके लिए तो नहीं होती है। ये आपने अगर नोटिस किया हो तो कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना। तो यस आई एम वेटिंग फॉर द काला, और ये जब आएगा तो भाई एकदम मजा ही अलग होने वाला है, क्योंकि इसका लुक एंड फील, इसकी जो भी चीजें दिखाई गई है ना वो बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही हटके लगी है मुझे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कंटेंट की तरफ में, जिसका नाम है चोर निकल के भागा, और यहां पे आपको दिखने वाले हैं सनी कौशल। आफ्टर शिद्दत मैं बहुत ज्यादा वेट कर रहा था, बीच में भी एक फिल्म आई थी लेकिन वो फिल्म ज्यादा चली नहीं, और वो देखा जाए कुछ डगमगा सी गई, लेकिन फिल्म में सनी कौशल की एक्टिंग अच्छी खासी थी। तो अभी बात करते हैं चोर निकल के भागा, अभी बात करते हैं कि इस टीजर में क्या दिखाया गया है। यहाँ पे दिखाया जा रहा है फ्लाइट के अंदर में दिखाया जाता है कि वो फ्लाइट हाईजेक हो गया है, और उसके बाद दिखाया जाता है कि सनी कौशल को बहुत बुरी तरह से मारा पीटा गया है, और उनके बॉडी में जो है बॉम्ब फिक्स कर दिया गया है। इसके पीछे में अगर आप नोटिस करोगे तो यामी गौतम और सनी कौशल मिलकर के इससे पहले भी कुछ कांड कर रहे थे, कुछ चीज जो है स्मगल करके ले जाना चाह रहे थे, और उसी के बीच में ये प्लेन हाईजेक हो जाता है। अब ये कहानी कितना ज्यादा थ्रिल एंड सस्पेंस से भरा होता है ये देखने का मजा अलग होने वाला है। आई एम स्पेशली वेटिंग फॉर सनी कौशल परफॉर्मेंस और यामी गौतम। अब आते हैं लास्ट टीजर पे, जो कि बहुत ही खतरनाक, बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन के साथ में आ रहा है। यहाँ पे सबसे पहले बात करना चाहूंगा डायरेक्टर की, जो कि है राज एंड डीके। इसके बाद से कास्टिंग की, कास्टिंग में आपको राजकुमार राव दिखने को मिलेंगे, और वहीं पे आपको दिलकर सलमान देखा जाए तो पिछले कुछ टाइम से बहुत ज्यादा छाए हुए हैं, और खास करके उनका नाम अभी टॉप पे आ चुका है बिकॉज ऑफ सीतारामम और चुप के वजह से। इनकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग रही है, और इन्होंने जो अपना एक अलग फैन बेस बनाना शुरू कर दिया है, और मैं भी उनमें से एक हूं जो कि इनका नया नया फैन बन चुका हूं। पिछले साल से शुरू हुआ था, नेटफ्लिक्स पे एक मूवी आई थी, उसके बाद से फिर सीतारामम देखा, और उसके बाद से इसी हफ्ते चुप भी देखने को मिली है। तो भाई सब में एकदम जबरदस्त उनकी एक्टिंग रही है, और यहाँ पे भाई एकदम जबरदस्त कॉम्बिनेशन लग रहा है। एक तो डायरेक्टर राजन डीके, ऊपर से राजकुमार राव एकदम टैलेंटेड एक्टर, और वहीं पे दिलकर सलमान जो कि अपने एक्टिंग में वेरिएशंस पे वेरिएशंस दिखाते आए हैं, और उनका हर बार जो है एक यूनिक एक्टिंग स्किल देखने को मिलता है। तो भाई ये देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। डायलॉग वाज डिलीवर्ड बाय द राजकुमार कि भाई हर इंसान के अंदर में एक चूतिया होता है, और वो चूतिया अगर बाहर ना आए तो ही अच्छा है, और इस बात से यार मैं भी एग्री करता हूँ। डायलॉग को यार पता नहीं कितने सारे लोग रिलेट करेंगे, क्योंकि हर किसी ने लाइफ में कभी ना कभी कुछ ऐसा कांड किया होगा जिसको करने के बाद लगा होगा कि काश ये मैंने नहीं किया होता तो भाई बहुत अच्छा होता। सो यस आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर द गर्ल्स एंड गुलाब्स बिकॉज ऑफ डायरेक्टर एंड बिकॉज ऑफ कास्टिंग। इट विल बी ऑसम, एक जबरदस्त कॉन्टेंट निकल के आने वाला है, एंड आई होप कि ये एकदम एंड में आएगा, कोई जल्दी नहीं आने वाला है, जिसके वजह से इसका टीजर सबसे लास्ट में डाला गया था। सो ओवरऑल कुल मिलाकर के 11 टीजर आए थे, आई थिंक उसके बाद भी आए होंगे तो उतना याद नहीं है और मैं फॉलो नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन एक चीज देख करके मुझे बहुत ज्यादा अचंभित हुआ है, और वो ये है कि अंजलि जो कच्चा बादाम गर्ल है उसको लेकर के यार नेटफ्लिक्स पे, इसके अलावा उर्फी जावेद को भी लेकर के नेटफ्लिक्स पे, नेटफ्लिक्स कहीं अपना ग्रेड तो नहीं ना गिरा रहा है? नहीं मतलब जान तारा सीजन 2 का जो है प्रमोशन ही कर रहे हैं ना इनडायरेक्टली, तो इन लोगों को पकड़ करके इनके साथ में स्कैम वाला गेम खेल रहे हैं। भाई मैं सच बताऊं ना तो इन दोनों ने मिलकर के लिटरली पब्लिक लोगों का ना जो काटा है, तो जान तारा जो है ना वो इससे कम है, लिटरली बता रहा हूं वो इससे ज्यादा नहीं है। आप बताओ आप इन दोनों के बारे में क्या कहना चाह रहे हो। सो दैट वाज माय ऑनेस्ट रिएक्शन फॉर दोस टीजर्स व्हिच वाज रिलीज यस्टरडे। व्हाट्स योर टेक, प्लीज डू कमेंट। और यहां तक वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो।